राधा स्वामी, राधा स्वामी। आज महावारी सत्संग है, अश्रु विहीनना आप सबको मुबारक हो, आपकी मनोकामना पूरी हो, आपको शारीरिक तंदुरुस्ती मिले, आपके मन को शांति मिले, आपके घरों में सुख हो, प्रेम हो, एकता हो, ताकि तुम्हें जिंदगी का गुजारने का आनंद मिल सके। पिछले महीने में सत्संग जो हुआ वो पादों का महीना था, और उस महीने में मुझे नहीं पता, कभी कभी मैं सोचने बैठ जाता हूँ कि मालिक ने तो केवल दिन और रात बनाए और कुछ नहीं किया, दिन रात बनाए और पृथ्वी के चक्कर के कारण मौसम बन गए, ऋतुआं बन गई, और ये सारा खेल कुदरत का हुआ। इंसान ने ये क्या किया कि रात दिन को भी बांट दिया, फिर उसको दिनों में बांट दिया, फिर उसको मिनटों में बांट दिया, फिर सेकंडों में बांट दिया, फिर महीनों में बांट दिया, फिर साल बना दिए। पता नहीं क्यों इंसान ने ये सारा इतना काम किया, हमारी जिंदगी को सुख भी दिया, इसमें कोई शक नहीं है। साइंस ने बड़ा सुख भी दिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जीवन की जो शांति थी उसको भी इसने खींच लिया अपने हाथ में। पिछले महीने के सत्संग में स्वामी जी महाराज ने मन के ऊपर बल दिया कि हम मन के अधीन क्या क्या करते हैं अपने जीवन को सुखदायी बनाने के लिए। सब कर्म कांडों का उन्होंने खंडन किया, हर चीज का उन्होंने खंडन किया कि जे सब कुछ जो भी है जे मन, मन मत है, मन के अधीन है, मन का सुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, आपको अध्यात्म नहीं मिलेगा। आप कौन हैं उसके प्रति आप बेखबर रहेंगे, आपको उसकी खबर नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने पिछले सत्संग में फरमाया था। आज का सत्संग इससे थोड़ा ऊंचा है, लेकिन मैंने इसके ऊपर विचार किया कि ऐ स्वामी जी महाराज, सभी संतों ने कह दिया कि दुनिया में सुनने वाला कोई नहीं है, तो आपने फिर भी इतना ज्यादा लिख दिया। स्वामी जी के साथ मैं खुद बात करता हूँ कि आपने खुद ही कहा कि मन पे दर पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन आज आपने इतनी ऊंची बात कह दी है इस सत्संग, इस आज के सत्संग में, क्या इसको सुनने वाला कोई है? फिर अंदर से जवाब आया कि तूने दुनिया से क्या लेना, तू अपनी बात कर। क्या कहा मैंने? तो जो अपनी बात करनी है वो मैं करने जा रहा हूँ, मुझे दूसरों का ठेका नहीं है। धर्मों में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, भाई हमारा, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया मेरे अपने अंदर है, मेरी दुनिया, मेरा संसार मेरे अपने अंदर है। और वो कहाँ है, वो कहाँ है? संसार मन में है और मैं मन से ऊपर रहने वाला हूँ। क्या कहा मैंने? कौन पकड़ेगा मेरी बात को? मेरा संसार मेरे मन में है, लेकिन जो मैं हूँ, वास्तव में जो मैं हूँ, जिसकी बात स्वामी जी महाराज आज करने जा रहे हैं, मेरा इस शरीर, मन और आत्मा से कोई मतलब नहीं है। क्या कहा मैंने? बता दूंगा मैं आपको कि ये बात मैंने क्यों कही है। पढ़ो स्वामी जी महाराज को, पढ़ो, पहले बात को गौर से सुनना। जहाँ कहानियाँ नहीं है, जहाँ मनोरंजन नहीं है, जहाँ कोई लेने देने का ठेका नहीं है, जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, ले लो अगर लेना चाहते हो। ये बाबा फकीर का दरबार है, ये दाता दयाल महर्षि का परिवार है, ये स्वामी जी महाराज से चला हुआ है, गुरु नानक साहब के समय से चला हुआ है और कबीर साहब के समय से चला हुआ है। मगर दुर्भाग्य ये है
कि मैं देखता हूँ इन महापुरुषों का भी इस संसार में कोई इस देश में कदर करने वाला नहीं रहा है। सब मन मत हो चुके हैं, गुरुमत को भूल चुके हैं। गुरुमत क्या है? गुरुमत तो आवाजें दे रहा है भाईचारे की, गुरुमत तो प्रेम में आने की बात कर रहा है, गुरुमत तो कहता है जिन प्रेम की ओर तन ही पर पायो। और जहाँ डंडे से हम एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ है गुरुमत? कहीं नजर नहीं आता। पंख लगा कर उड़ गया लगता है गुरुमत, फिर भी क्योंकि दादा ने ड्यूटी दी है तो मैं सच्चे दिल से कुछ कहना चाहता हूँ आपके लिए, अगर हो सके तो समझना पड़ो। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कुवार मास चौथा, आसक्त होना जीवों का मन और इंद्रियों के भोगों में। बस यही पहली बात कही स्वामी जी महाराज ने, इंसान किन चीजों में फंसा, किन चीजों में लंपट हो गया, किन चीजों में अपने आप को खो गया। कहते हैं मन और इंद्रियों में जे फंस गया। फिर पढ़ो ये शुरू से लाइन, आसक्त होना जीवों का मन और इंद्रियों के भोगों में। हाँ। और भूलना अपने सत्कुल को, और प्रकट होना सत्पुरुष दयाल का। सत्पुरुष कब आता है? सत्पुरुष इस दुनिया में समय समय पर आते हैं, और वो जहाँ जहाँ जैसी जैसी प्रकृति के लोग होंगे उस प्रकृति के लोगों के अनुसार वहाँ आते हैं। माता में प्रकृति जैसी होगी वहाँ संत वैसे आएंगे, इस एरिया में जैसे प्रकृति के लोग होंगे वैसे आएंगे, दक्षिण भारत में जिस प्रकृति के लोग हैं वैसे आएंगे। क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। और दूसरे देशों में जिस प्रकृति के लोग हैं वहाँ वैसे आएंगे। ये नहीं है कि एक ही इंसान सारी दुनिया को समझा सकेगा। जैसी जैसी जहाँ डिमांड है कुदरत में, जहाँ जहाँ जैसी डिमांड है उस डिमांड के मुताबिक कुदरत वहाँ इंसान को सत्पुरुष के रूप में जन्म देकर भेजता है कि आप वहाँ जाओ, वहाँ की प्रकृति के लोग आपकी बात को सुनने वाले हैं, बाकी आपकी बात को कोई सुनेगा नहीं। क्या कहा मैंने? तो ये कह रहे हैं स्वामी जी महाराज। आगे चलो, सत्पुरुष दयाल का संत सद्गुरु रूप धारण करके वास्ते उनके उद्धार के और उपदेश करना सूरत शब्द मार्ग का। हाँ, अब उपदेश किस बात का करना? अब उपदेश करना सूरत का। मैं ऐसा समझता हूँ, पता नहीं मैं हो सकता गलत हूँ, मैं देखता हूँ जितने भी आज हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं कोई भी सुरत के इस लेवल की बात नहीं करता, सब मन मत की बात कर रहे हैं। आप ये करोगा ये हो जाएगा, ये करोगे ये हो जाएगा, ये करोगे ये हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब इसको कंट्रोल करो। क्या बात है? जब ये बात निश्चित हो गई, ये महापुरुषों ने लिख दिया कि कर्म गति टारे नहीं टरे। कबीर साहब ने कह दिया, स्वामी जी कहते हैं कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। गुरु नानक साहब महाराज ने भी लिख दिया, धर्मराज तुहाडी सारियां गल्लां देख रहे और लिख रहा, चंगियाईयां बुरियाईयां बाचे धर्म हजूर। लिखा है कि नहीं लिखा? चंगियाईयां बुरियाईयां बाचे धर्म दूर करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जेड़ा तुसी कर्म कीता तो उनको भोगना पैना, गुरु नानक साहब जी ने कह दिया। और कबीर साहब ने क्या कहा? कर्म गति टारे नहीं टरे। कर्म की गति को कोई टार नहीं सकता। तुम चाहे जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, यात्रा करो, जो मर्जी करो, तुमने जो कर्म किया तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ये बात निश्चित हो गई। अब सवाल हो गया, फिर करें क्या? वो करें क्या? ऐ इंसान, तू अपने मन को समझने की कोशिश कर।
बस जिस दिन तुम्हें पता लग गया कि मन क्या है, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, ये बताने के लिए कि मैं कहाँ पहुँचा। मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने मुझे जो आदेश दिया वो ये आदेश दिया कि बेटा तूने कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना। तो मेरा मन कहाँ है? मेरे अंदर है। तो मेरे अंदर में वो मन क्या करता है? वो ख्याल पैदा करता है, विचार पैदा करता है। और मैंने सोचा कि मेरे पिता ने, मेरे सतपुरुष ने, मेरे दाता ने मुझे कहा मन की किताब पढ़ ला, तो हूँ मन मेरा कितने पकड़ा, हूँ मैं किदा पकड़ा उन्होंने। वो मैं पता लगा मेरा मन कुछ भी नहीं है, ये जो देखता वो बन जाता, ये जो सुनता वो बन जाता, जो खाता वो बन जाता, जैसी संगत में बैठता वैसी रंगत इसको मिल जाती है। तो मुझे पता लग गया कि मन क्या है। तो मन क्या है? क्या मेरे मन ने मेरे शरीर को बनाया? नहीं, मेरे शरीर को मेरे मन ने नहीं बनाया, वो तो बनाने वाला मालिक कुल है, कुदरत है, उसने इसको बनाया। कैसे बनाया? जैसे मेरे पिछले जन्म के संस्कार थे वो वैसा बर्तन उन्होंने बना दिया। मैं एक बात कही थी पिछले किसी सत्संग में, मैंने कहा था कुम्हार बर्तन बनाता है, मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो, कुम्हार बर्तन बनाता है वो पता उसको कि इसमें क्या डालना है। कोई भी बर्तन कुम्हार बनाएगा उसको पता कि क्या बनना, इसमें क्या डालना है। मिट्टी के बर्तनों में तो दूध भी डालते थे, लस्सी भी डालते थे, रोटी भी, तो सब कुछ बनता था मिट्टी के बर्तनों में, तो कुम्हार वैसे ही बनाता था। अब आ गए हमारे साइंस वाले, साइंस वालों ने क्या किया, स्टील बना दिया। स्टील के बर्तन भी वो बनते हैं जैसा उसमें कोई चीज़ रखनी हो, ऐसी नहीं है। ऐसे ही हमारा शरीर उस मालिक की कुदरत ने बनाया, वैसा बनाया जैसा आत्मा या जैसी रूह या जैसी सुरत इसमें बिठानी थी। क्या कहा मैंने? गगन बात को पकड़, मेरी क्या बात कह रहा हूँ। हमें ऐसा हमारा शरीर मैंने बनाया, क्या किसने बनाया? कुदरत ने। कि कैसा बनाया? कि जैसा मैं हूँ, वास्तव में जो मैं हूँ, जिसने परमदयाल जी महाराज के पास बैठना था, जिसने परमदयाल बाबा फकीर की शिक्षा लेनी थी, उसके काबिल होने वाली जो चीज़ थी वो इसमें डालकर मुझे यहाँ भेज दिया। इसलिए आप सब ऐसे ही दुनिया में आए। शर्मा जी, मैंने बात बहुत ऊँची कर दी। और फिर जब मुझे ये पता लगा कि मैं बनाने वाले ने मुझे इसलिए भेजा है, तो फिर देखा कि मैं तो अंदर कुछ करता ही नहीं, मैं अंदर कुछ भी नहीं करता, जहाँ तक कि मैं सांस भी आप नहीं लेता, और तो छोड़ो मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी नब्ज चल रही है, मैं खाता पीता हूँ वो खुद पच रहा है, खुद ही अपने आप बाहर जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं करता। तो फिर मैं कहाँ पहुँचा कि जब मैं अंदर कुछ नहीं करता तो बाहर मैं क्या करता हूँ? जब अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा, अंदर कोई और हस्ती है करने वाली, वो कौन है? वो सुरत है रे, वो सुरत मन में मिल गई, यहाँ आकर रुखा खा गया, वो सुरत मन में सारे शरीर में उतरी हुई है, वो सुरत यहाँ से जन्म के बाद यहाँ आई, फिर टांगे मारी मैंने, लत्ते मारी, ऐसे ऐसे किया, हरकत में आया और वो सुरत धीरे धीरे मेरे पाँव तक पहुँच गई। अब इसको वापस ले जाना है, इसको वापस ले जाना है, वही यहाँ से जे आई है वो बात बता रहे हैं स्वामी जी महाराज। मैं कहाँ तक ठीक हूँ मुझे नहीं पता, मैं दावा नहीं करता, लेकिन मुझे विश्वास हो गया कि मैं कौन हूँ। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, और ना मैं आत्मा हूँ, उसमें रहने वाली मालिक कुल की हस्ती का एक अंश हूँ।
वो कैसे है सुनो कैसे कहते हैं। हेलो बोलो। पार महीना चौथा आया जीव भव सागर वार रहाया। वो कहते हैं चौथा महीना आ गया, इसको उन्होंने क्वार महीना कहा है। क्वार 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 कहते हैं क्वारा क्वारा, जिसको कोई दुनिया की पता नहीं है वो क्वारा है, उसको अनुभव नहीं दुनिया का, उसको कहते एक क्वारा मुंडा या क्वारी कुड़ी, उनको ही पता बेचारे हूँ, ठीक है ना। ऐसा उन्होंने कहा और ये जीव उड़े ही रह गया। कहते जीव पार नहीं गया इस महीने च चौथे महीने, ये सुरत जड़ी क्वारी है, ले इनू अगे जान का कोई रास्ता नहीं मिलिया। अगे की कहते स्वामी जी सुनो। क्वार महीना चौथा आया जीव भव सागर वार रहाया, पार न जावे वार रहावे साध संत संग प्रीत न लावे। उड़े ही रह उधर ही रह गई, इधर ही रह गई, पार नहीं जाई। क्यों क्यों इसने साध संगत नहीं की? अब मैं सोचता हूँ मेरे देश में तो इतने संत हैं, इतने ढेरे हैं, इतने गुरु महाराज हैं, और जो चमर चुभते हैं उनके सर के ऊपर, कितने वो क्या नाम है आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों है? फिर जवाब आता है एक वो खुद ही पार नहीं गए तो अगला क्या बताएंगे, वो खुद ही वार बैठे हुए हैं, वो खुद उस पद को प्राप्त नहीं कर सके जिसको साध कहते हैं, जिन्होंने अपने मन को साध लिया और साध कर वो शरीर मन की और आत्मा की सीमाओं से आगे ठहर कर प्रकाश में ठहरे हुए हैं, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, जहाँ अनुभव ही अनुभव है, जहाँ न दुख है न सुख है, न जात है न पात है, न अपना है न पराया है, वो इस संसार को संभाल सकता है, दूसरा कोई संभाल नहीं सकता। कहते सुरत इसलिए यहाँ फंसी हुई है। आगे चलो। जगत भोग में क्या है, फिर देख लो मन के लेवल पर दुख भी है सुख भी है, मिलना भी है बिछोड़ा भी है, नहीं सब कुछ है, क्या नहीं है। आगे चलो। ज्ञान बैरागी भक्ति नहीं धारे मोह राग अहंकार पचारे। दो चीजें हैं, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। पहली बात कही उन्होंने ज्ञान, ज्ञान के बाद वैराग आता है। जो बिना ज्ञान के दुनिया छोड़ देते हैं, बिना ज्ञान के दुनिया छोड़ दी, चलो जी ब्याह नहीं कराना, मैं नहीं कराना ब्याह, मैं भक्ति करनी। मैंने गल याद आ कि बड़ी सिंपल सी बात आपको सुनाता हूँ, बुजुर्गों ने सुनाई। दो भाई थे तो एक कहता बड़े भाई मैं नहीं है ग्रिस्ट ग्रुस फसना दे न्याणे जे वो मेरे से नहीं काम होगा, मैं तो साधु बन जा, मैं चलिया। अच्छा भाई वो चला गया, भक्ति की बड़ी भक्ति करके कुछ आ गया सामने के, हाँ भाई कुछ हो सकता, मैं हूँ कुछ कर सकता। बाबा फरीद की भी कहानी है, बड़ी लंबी है लेकिन वो टाइम ज़्यादा लेगी, वो कभी फिर सुनाऊँगा। तो आ गया बड़ा खुश, अखा लाल, कहता भाई ओ मिलिया, कहता भाई किदा, कहता बस मैनू तो हूँ कुछ नहीं चाहिए, जो चाह हो जाता। अच्छा कहता जो चाह हो जाता, लै फिर इदा कर जी तू भगती की ना ओ कसी पी कसी कसी जानते ना फो फौड़ा ओ अपनी शक्ति लै तो वो कह इत आ जाए ओ फौड़ा उत्थे पिया ओनू कह अखा बंद करके कह आ जाए, उन्हें अखा बंद कर लेगा ऐदा करे करिए ऐदा करे करिए ऐदा करे, फिर खोल के देखे थोड़ा तो उत्थे ही आ, फिर देखे फिर कहना बस तेरी शक्ति इन्नी है तेरी कारी भक्ति हुई वो थोड़ा तो तेरी उतर चाहिए। वो कहना लै हूँ मैं भक्ति दसा अपनी, कहना ओ मुन्नू उरिया पुत वो थोड़ा चक के लिया उन लिया मोरे रात तक
कहिंदा तेरी भगती ज्यादा हुई कि मेरी भगती ज्यादा हुई। ओ मेरी गल पकड़ी, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। जो गृहस्थ को छोड़कर संत बनते हैं, साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, वो ना इस दुनिया के ना अगली दुनिया के। क्या कहना चाहता हूं मैं, संतों की महापुरुषों की वाणियां निकाल कर देखो, ऋषियों की जीवन देखो, जो सभी गृहस्थी हुए हैं, सभी गृहस्थी हुए हैं। कोई संत नहीं बन सकता जिसने जीवन को नहीं देखा, जिसने जीवन से पहले पुत्र के रूप में नहीं देखा, फिर पिता के रूप में नहीं देखा, पति के रूप में नहीं देखा, दादा के रूप में नहीं देखा। मैं तो और आगे चला जाता हूँ, वो परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट वही हो सकता है जो नीचे से चलेगा और दादा परदादा होकर कहेगा, आ दुनिया सारी देख ली, ले हूँ मैं नहीं होना। फिर आता है वैराग, उससे पहले वैराग लेकर क्या लेना हमने। क्या कहा मैंने, ज्ञान पहले फिर वैराग आएगा। बिना ज्ञान के वैराग लिया तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम भटक जाओगे। मैं बहुत से सन्यासियों को मिला हूँ, नौजवान सन्यासियों को मिला हूँ, और मैं उनसे पूछता हूँ, मैं कि इधर आओ महात्मा जी, कितने साल हो गया तुम्हें ये चोला पहना हुआ। मैं उनका शरीर भी देखा, मैंने कहा तुम ना तीन के रहे ना दुनिया के रहे, तुम ये बताओ कि जब कोई शादी होती तुम्हारे मन की क्या हाल होती है, होता है कुछ? बहू जी तुसी सच बोलिया, पछतावा तो हुंदा बहुत ज़्यादा, तुम्हें कहा तू सन्यासी बनिया पछतावा हो गया। बस ढौंसला है, कुछ नहीं है। जो जिंदगी से हार जाते हैं वो सन्यासी बनते हैं, जो जिंदगी का मुकाबला करते हैं वो पिता भी बनते हैं, दादा भी बनते हैं, पति भी बनते हैं, पत्नी भी बनते हैं, वो बहादुर हैं जिन्होंने जीवन को देखा। क्या कहा मैंने, संत बनना है हमने। संत बनेंगे अनुभव लेकर, जिंदगी का अनुभव। जिसको जिंदगी का अनुभव नहीं है वो संत नहीं बन सकता। आगे चलो। कुआई सूरत करे बेचारा, मन इंद्र संग फिर। अब वो कहते हैं ये कुआरी थी, इन पता कुछ नहीं सी, ये मन और इंद्रियों में फंस गई और दुख उठा रही है। क्या कहा मैंने, आगे चलो। काम क्रोध में भर मत सोवे, जड़ चेतन की गांठ न खोले। अब आप सबको पता ही है फिर हम क्या करते हैं, मन के पीछे लगकर काम आएगा, काम यानी कामना, किसी कामना है, एक काम कामना थोड़ी है। लोगों ने काम को ये समझा कि पति पत्नी के संबंध को ही काम कहते, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो कुदरत का एक खेल है, वो तो कुदरत की एक प्रकृति का एक निजम है। पुरुष प्रकृति का निजम है इस संसार को बनाना, इसको कोई रोक नहीं सकता, नंबर वन। मगर अगर ज्ञान से चले हैं, ज्ञान से चले हैं, तो फिर ये संबंध बहुत सुखदायी हो सकते हैं। अगर इस लेवल से परे चले जाओगे तो यही संबंध दुखदायी भी हो सकते हैं। ज्ञान के साथ चलना है, जैसे मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा, वह पत्नियों शरण की लौड़ नहीं है, लिव एट द डिजायर ऑफ योर पार्टनर, अंग्रेजी में कहा, अपने साथी की इच्छा के मुताबिक जीवन को गुजारो, खुश रहोगे। क्या कहा मैंने, और इसलिए ये स्वामी जी महाराज क्योंकि ऊँची बात कर रहे हैं, ऊपर की बात करें, लेकिन मैं आपको चक्कर में नहीं डालना चाहता, मैं तुम्हें उस लेवल पर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे, जिस गुजारे से मैं चला, जिस तरह से मैं चला, मैं उस तरह से तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, जिस तरह से मेरे सदगुरु बाबा फकीर चले, उसी चाल पर मैं चला हूँ। उन्होंने क्या जिंदगी नौकरी की, छाछ की नौकरी की, बच्चे खावल सब कुछ ठीक, फिर दाता दयाल जी की गोद में अपने आप चले गए। ऐसा होता है जिंदगी, जिसने यहाँ सुख नहीं देखा वो आगे क्या सुख देखेगा। जाको दर्शन इत हैं ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको इतना उत, जिसको जहाँ सुख नहीं है उसको आगे भी सुख नहीं मिलेगा। आगे पढ़ो। सत्संग करें सतगुरु सेवे, भाव भक्ति मन नहीं देवे। अब ये कह दिया कि ये दुख क्यों है,
ये क्यों फंस गई है इन चीजों में? क्योंकि ये सत्संग नहीं करती। स्वामी जी महाराज ने देखो मैं एक बात कहने लगा हूँ, स्वामी जी महाराज ने खुद लिखा सार शब्द सार जो उनकी सार वचन किताब है, पहले सफों में जब आखिरी दिन उन्होंने कुछ आदेश दिए, उन्होंने ये कहा कि ऐ इंसान तू सिमरन और ध्यान किया कर, क्योंकि सिमरन ध्यान से क्या होगा, तुम्हारा मन ठहरेगा। और अगर आप इस ख्याल से सिमरन करते हैं कि मेरे अंदर के विकार दूर हो जाएं, मेरी बुराइयां दूर हो जाएं, तो बुराइयां दूर हो जाएंगी। अगर आप इस ख्याल से सिमरन करते हैं कि मुझे ज्ञान मिले, मुझे दाता का दर्शन हो, तो तुम ध्यान में चल जाओगे। ध्यान जाने से आपको विवेक मिल जाएगा, आपको दुनिया में रहने का ढंग पता लग जाएगा। यही बात कही ना, लेकिन देख क्या रहा हूँ, मुझे कुछ लोग राधा स्वामी मत को मानने वाले लिखते हैं कि आप हमारे ग्रुप के मेंबर बनो। कौन सा ग्रुप? जहाँ केवल शब्द गाए जाते हैं, जहाँ केवल वाणी पढ़ी जाती है, कोई सिमरन ध्यान का बात नहीं करता। मैंने कहा ये पखंड है, मैं इसका मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि ये स्वामी जी ने जो कहा वो तो तुम कर नहीं रहे हो। तुम तो कहते आ जाओ इकट्ठे हो जाओ बैठो पढ़ो शब्द पढ़ो लय में, और गुरु भी झूपर झूम रहा है, चलो जी हो गया काम, सत्संग खत्म हो गया, बाकी जो मर्जी करो। ये बात नहीं है। मैं बड़े दुख से कहता हूँ राधा स्वामी मत में बहुत बड़ी गिरावट आ रही है। मैं बड़े डेरिंग मैं बड़े हौसले से कह रहा हूँ, निर्भय होकर कह रहा हूँ कि राधा स्वामी मत भी गिरावट की ओर जा रहा है। और हमारे संत क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं दुख महसूस जरूर करता हूँ जब मैं सुनता हूँ, मुझे टेलीफोन आते हैं बीबियों के, माताओं के, बहनों के, बुजुर्गों के, तो मैं दुखी हो जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे देश में। मैंने डंडा उठाया है, बाबा फकीर का डंडा उठाया है ये बताने के लिए कि राधा सम्मत है क्या। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान, और ये दोनों तुम्हारे अपने अंदर हैं, ना वो किसी डेरे में हैं, ना वो किसी मंदिर में हैं, ना वो किसी धार्मिक स्थान पर हैं। ये दोनों शब्द और सुरत तुम्हारे अपने अंदर है भाई, और उसका ही वर्णन स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। वहाँ मन नहीं पहुँच सकता, ये भी बता दूँ, वहाँ मन नहीं पहुँचेगा, वहाँ तुम्हारा इश्क पहुँचेगा, वहाँ तुम्हारा जज्बा पहुँचेगा, वहाँ तुम्हारा प्रेम पहुँचेगा, वहाँ तुम्हारी श्रद्धा पहुँचेगी, और वहाँ तुम्हारा विश्वास तुम्हें लेकर जाएगा, और कुछ नहीं लेकर जाएगा। और आखिरी साथ कह देता हूँ, जिस पर दया आदि करता की सो ये नियामत पावे, जिस पर उस सतगुरु की दया हो जाती है, जिसके सिर पर उसका हाथ आ जाता है, वो फिर वहीं पहुंचता है जहां वो खुद पहुंचे हुए होते हैं। आगे चलो। ये संसार काल चक्कर में है, काल चक्कर, चक्कर देखा, ऊंचे नीचे ऐसे चक्कर चलता है, तो हमारी धरती ऐसे चलती है, ऐसे हम उसके साथ चलते हैं। अब श्राद्ध है ना, अब श्राद्ध चले हुए हैं, कई पूछते श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब सवाल ठीक भी, पूछने वाला भी ठीक है, बात भी करनी ठीक है, लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में पितृलोक है, सबसे पहले पितृलोक है, फिर गुरुलोक है, फिर रामलोक है, फिर कृष्णलोक है, फिर विष्णुलोक है, फिर और आगे 14 लोक हैं ऊपर तक, सबसे पहले पितृलोक है। तो जो हमारी आत्माएं चली जाती हैं, जिनको दोबारा जन्म नहीं मिला, या वो किसी कारण वही पितृलोक में बैठी हैं, अपने कर्मों के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार उन्होंने गुरु को स्मरण नहीं किया,
गुरु का ध्यान नहीं किया और उस सत्य को नहीं जाना, वो वही रहेगी, नंबर वन। नंबर टू, जो मरते समय कहीं भी उनका मन लगा हुआ है, अंतमता सुगता, गुरबाणी में भी एक शब्द आता है महापुरुषों का कि अंत समय जो स्त्री को याद करता है उसका ये होगा, और पुत्र को याद करता तो ये होगा, वो धन को याद करता तो वो हिसाब, ऐसा लिखा है वाणी में, मैंने पढ़ा है, तो वो दोबारा उसको जन्म होगा अगर अटैचमेंट है। अगर अटैचमेंट कोई नहीं तो पितर में बैठा है, तो वहाँ से उसको निकालने के लिए ये श्रद्धा प्रेम से उनको याद करके प्रसाद बांटा जाता है, लोगों को खिलाया जाता है कि वो सुखी रहे, भावना उनको मिलती है, आप साल के बाद याद उनको करते हैं, मेरी बात समझ गए ना। फिर बारखी मनाते हैं, सनातन धर्म में बारखी मनाते हैं साल के बाद, फिर चौरखा मनाते हैं चार साल के बाद। वो क्यों चार साल के बाद क्यों मनाते हैं, कारण क्या है कि ज़मीन घूमती हुई अपने ही धुरे के ऊपर घूमती है, उससे दिन रात बनते हैं, और साल से वो सूर्य के गिर्द एक चक्कर काटती है, और चार साल में वो घूमकर वहीं आ जाती है जहाँ चार साल पहले थी, और वही दिन उस दिन होगा जो चार साल पहले था। ये गणित में, ये एस्ट्रोलॉजी में साबित कर दिया है कि चार साल के बाद वही दिन वापस आएगा जो चार साल पहले था। इसलिए उस वक्त ज़मीन बिल्कुल सतलोक के सामने होती है, ज़मीन सतलोक के सामने होती है, सतलोक है ऊपर, सतलोक है, अलख लोग है, अगम लोग है, मेरे दाता जी ने, मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने मेरे सूक्ष्म शरीर को ऐसे बाजू से पकड़ा, चल बेटा तुम्हें ब्रह्मांड की सैर करा दूँ, और मैं गिनता गया आठ ब्रह्मांड दिखा दिए, तो वहाँ जाकर पिताजी मैं थक गया, मैं आगे नहीं जा सकता, मन है ना, सूक्ष्म शरीर में तो मन ही होता है और क्या होता है, तो अच्छा चल बच्चा वापस चल, चल सुबह आई, धर्मशाला की बात है, सुबह आई, फिर नींद किसको आनी थी, बस भजन में बैठ गया, तब देखा कि महाराज जी ने स्नान कर लिया, और कान से सुन रहा हूँ हुक्का पियेंगे तो तब अंदर जाऊँगा, तो गोपाल ने हुक्का डाला, महाराज मैं जाके चरणों में सिर रख दिया, मैं बहुत खुश था, मैं बहुत मस्ती में था, क्योंकि ब्राह्मण दिखा दिया गुरु जी ने, तो मैंने कहा पिताजी आज ऐसे ऐसे हुआ, पर मुझे एक अफसोस अपने ऊपर है कि पिताजी आप मुझे और आगे ले जाना चाहते थे, मैं क्यों कहा कि मैं थक गया, मैं क्यों आया वापस वहाँ से। कहते बेटा ये बात नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं था, पहले लिखा तेरा सदगुरु तेरे साथ था, सतगुरु अलग कर दिया, अपने आप को अलग कर दिया, तेरा सतगुरु तेरे साथ था, और तू वहाँ थक इसलिए गया कि तेरी अभी दुनिया की ड्यूटी है, पति के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में तेरा परिवार के प्रति ड्यूटीज हैं, और तू सरकारी सर्विस में है, वो अटैचमेंट तुम्हें खींच कर लाई। क्या कहा मेरे सतगुरु बाबा की, मेरी बात आप समझ रहे हो, तो जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट को मैं समझ गया, अटैचमेंट को मैं समझ गया कि जब तक मेरी ये संसारिक ड्यूटीज खत्म नहीं होंगी, जा मैं अपने आप को इन ड्यूटी से डिटैच नहीं होता, अपने आप को ये समझ नहीं लेता कि ये मेरी ड्यूटी थी मैंने कर दी, ये मेरे देना था मैंने दे दिया, जे मैंने लेना था मैंने ले दिया, तब तक मैं फंसा रहूँगा। क्या कहा, जिंदगी को एज ए ड्यूटी गुजारो, जो ड्यूटी कुदरत ने दी है वो सच्चे दिल से करो, बस तुम डर जाओगे। अगर उस ड्यूटी को करते हुए अपना स्वार्थ भी इसमें रखा है, किसी तरह का भी स्वार्थ रखा है, इज्जत का, मान का, धन का, दौलत का, बाप बनने का, बेटा बनने का, पति बनने का, तो फिर बहुत मुश्किल है। क्या कहा मैंने, समझो मैं क्या कह रहा हूँ,
तो गुरु तो ज्यादा ध्यान है, वो तो बहुत 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 कृपालु है। वो बता दिया कि वो सतगुरु तेरा अपने अंदर है, वो तुम्हें लेकर गया, मैं नहीं गया, क्योंकि उनकी वाणी मेरे साथ है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। जहाँ भी तुम जा रहे हो, कोई भी तुम्हें ऐसी कोई कष्ट आता है, अगर तुम्हें गुरु वाणी याद है तो तुम्हें दुख नहीं होगा। तुम्हें याद आ जाएगा कि गुरु ने कहा जो करिए सोई भला, जो हो रहा है इसमें मेरा भला ही होगा, तो फिर तुम्हें चिंता किस बात की, फिर आए क्यों करना, क्या कहा मैंने। यही महापुरुष कहते हैं ना, इस विश्वास करो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तो तुम्हारा बुरा हो ही नहीं सकता, क्या कहा मैंने। इस बात इतनी बात कोई समझ लो तो तुम ठहर जाओगे, अगर तुम अपने मन के मुताबिक संसार को बनाना चाहोगे वो नहीं बनेगा। मन के पीछे लगकर चलोगे तो दुख भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। गुरु की वाणी पर चलोगे कि जो होगा भला होगा, तो तुम्हें सुख ही सुख मिलता जाएगा, क्या कहा मैंने। इसलिए कहा क्या सात संगत नहीं की, सुनो फिर पढ़ो यही लाइन। सत संग करें सत गुरु सेवें, भाव भक्ति में मन नहीं देवें। देख लो क्या कह दिया, वही तो मैं बात कहता हूँ। सत्संग में मिलता क्या है, ज्ञान विवेक मिलता है, मगर किसको मिलता है ये भी सुन लो, जिसकी और कोई डिमांड ही नहीं है, क्या कहा मैंने। अगर तुम कोई डिमांड लेकर आए हो कि ये मेरा काम हो जाए, तो विवेक तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारी नज़र तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए है। मैं बाबा फकीर के चरणों में गया, दुनिया की कोई डिमांड नहीं थी, ना आज मांगता हूँ ना कभी पहले मांगा, तब भी उसी को मांगा और आज भी उसी को मांग कर उसमें रहने की कोशिश करता हूँ, क्या कहा मैंने। मांगो नहीं, दाता फरमाया करते थे मांगने वाला तो एक भिखारी है, भिखारी की कौन कदर करता है। तुम्हारे घर पर भिखारी आया, चलो चल लगे, चल चल लगे, कोई निक चीज तुझी मंगी तो देती, चल तुझे तोड़ देता हूँ, कोई चीज देता नहीं कितनी ना होती, क्या कहा मैंने। यही बाबा फकीर ने हमें कहा कि भिखारी नहीं बनना है, शहनशाह बनना है, मांगना नहीं है, कभी हाथ ऐसे नहीं करना, हमेशा ऐसे हाथ करना, फिर देखो कैसे मस्ती आती है, कैसे आनंद आता है, कैसे तुम्हारे काम बनते हैं। मगर हम तो मन के मारे हुए हैं। तब स्वामी जी क्या कहते हैं कि जाओ सत्संग में, सत्संग ही नहीं बल्कि सत्संग की बात पर फिर चलो, उसको अपनाओ अपने मन में। इसलिए बार बार कहा गया है सत्संग और साधन, साधन और सत्संग। सुबह सत्संग सुना, शाम को विचार किया, फिर सुबह दूसरे दिन विचार किया, उसका मंथन करो कि क्या कहा गया, मन है क्या, मन क्या चाहता है। मन से तुम आगे निकल जाओगे, तुम्हें पता लग जाएगा तुम मन के मालिक हो, मगर हम तो सब मन के अधीन काम कर रहे हैं, हम मन का घोड़ा बने हुए हैं। आँख में बैठाकर हमें नाचने चाहता है, कानों में बैठकर हमें दुनिया के बुरे अच्छे ख्याल सुनने को देता है, फिर रसना के लिए पता नहीं हम क्या क्या खाने के लिए पसंद करते हैं। तो मार दिया हमें मन, नहीं मारा ना, और तो किसी ने नहीं मारा। मन को संभालो, ये तुम्हारा दास बन जाएगा, और मन अगर तुम्हारे काबू में नहीं आया तो तुम्हें कुछ का कुछ बनाकर अपमानित करवा देगा, कहीं कहीं भी तुम्हें अपमानित करवा देगा और तुम्हारा सारा धन लूट लेगा। ये ऐसा जालम है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा है, ए मन है बड़ा जालम, जा कोई इससे काम पड़े हो है ताको ही है मालूम। मुझे बाबा फकीर जी कहते थे मन के साथ रोज कबड्डी खेलो, मन के साथ रोज कबड्डी खेलो, कबड्डी खेलोगे इसको पकड़ो, पकड़ कर अपनी लाइन के अंदर ले आओ, वही वही कामयाब होते ना। जो बाहर ले गया दूसरी डाइज में तब तुम हार गए,
इसको अपनी लाइन में लाने की कोशिश करो। सुबह शाम जब वक्त मिले मन के ऊपर काबू करने, तुम एक दिन कामयाब हो जाओगे। एक एक दिन का जो काम नहीं है, एक दिन में नहीं आएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। जन्म अनेक झूलते बीते, जम झोटन के सहे फजीते। जम हम जम के अधीन हैं। जम क्या है? मन के बुरे विचार और कुछ नहीं। धर्मराज क्या है? मन के अच्छे विचार धर्मराज है, और मन के बुरे विचार हमारा जमराज है। ये मेरे दाता ने हमें फरमाया हुआ है। और जो बुरे विचार हैं वो इस नाशिका से हमारे दिमाग के अंदर जाते हैं और हमारे को काबू में करते हैं, और जो अच्छे विचार हैं इस नाशिका से ऊपर जाते हैं और हमें अपनी ताकत देते हैं, और जो सूक्ष्म से अति कारण विचार हैं, शुद्ध विचार हैं, जो प्रकृति से आए हैं, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो केवल अपने आप को जानने के लिए पैदा हुए हैं, वो दोनों नाशिकाओं से हमारे अंदर यहाँ जाते हैं और जहाँ फिर त्रिवेणी बन जाती है। सूक्ष्म नाड़ी और ये ईड़ा और पिंगला तीनों जहाँ मिलती हैं, तो फिर अंदर का तीसरा नेत्र खुल जाता है। फिर तुम्हें ज्ञान होने लग जाता है, तुम समझ जाते हो कि साथ के आदमी क्या चाहता है। क्या कहा मैंने, आगे चलो। धर्म राय नीति करे खुआरे, मर तन में भोगे दुख भारे। अब शास्त्र ऐसा कहते हैं, गरुड़ पुराण महाराज परमदयाल जी महाराज ने भी लिखा है, वो कहते हैं दो ताकतें ऊपर काम करें, धर्मराज और यमराज। यमराज में तो वो जाती है आत्माएं जिन्होंने अच्छा काम किया ही नहीं है, बस खराब हेरा फेरी झूठ कपट। क्या मैं तो ये कहूँगा कि अगर कहीं नर्क है ना, अगर कहीं नर्क है तो मेरे भारत के लोगों के लिए है, जो इतना झूठ बोलते हैं। हालांकि लिखा है गीता भगवत गीता में कि धृतर क्या नाम था उनका, युधिष्ठिर, जिनको धर्मराज कहते थे, कि वो झूठ नहीं बोलता, एक झूठ बोला उसने, एक झूठ बोला, वो भी भगवान कृष्ण के कहने पर बोला कि तुम कह दो अश्वत्थामा महाराज न जाना नरा या कुंजरा, तो बजा दिए नगारे बजा दिए। अश्वत्थामा उसका बेटा था द्रोणाचार्य का, द्रोणाचार्य ये बात सहन ना कर सका और उसकी डेथ हो गई, बात समझ गए। तो जब सभी मर मुर गए तो धर्मराज ले गया, उन्होंने भी जमराज ले गया। तो वो पूछता धर्मराज से, मेरे भैया भाभी कहाँ हैं? कहते नरक में है, लिखा है वो नरक में हैं। वो अर्जुन जिसने भगवान कृष्ण के मुखारविंद से गीता सुनी, वो अपनी भाभी और भाइयों के साथ नरक में। तो उसने कहा, कहते कोई तो आपको भी ढाई घड़ी के लिए जाना पड़ेगा वहाँ नरक में, क्यों? आपने झूठ बोला था। तो हम जरा अपने आप को देखें भी, मेरे देश के लोग क्या कर रहे हैं, मिलावटें, झूठ, कपट, हेरा फेरी, और फिर घंटियां बजाते हैं, फिर आरतियां करते हैं, वो किसी काम आएंगी? नहीं आएंगी, क्योंकि हमारी रहनी ठीक नहीं है, हमारी करनी ठीक नहीं है। उसने हमारा साथ देना है, हमारा कर्म हमारा साथ देगा, ये कोई बाहर की बनावटी चीज़ हमारा साथ नहीं देगी। इसलिए कह दिया कि धर्मराज फिर हमारे से बदला लेता है, चलो नरक में जाओ, इतने वर्ष नरक में बैठो। और वहाँ लिखा हुआ कि नरक में सावन महीने में, मैंने बताया था स्वामी जी बताते कि नरक में क्या क्या होता है, अतीत सीहे दिए जाते हैं, अतीत सीहे दिए जाते हैं, होगा इसमें कोई शक की बात नहीं, होगा ऐसा जो संतों ने लिखा वो झूठ नहीं हो सकता। आगे कर्म भार सिर ऊपर राखा, घेरे घेरे काल का प्यादा। काल हम काल के अधीन हैं, काल है समय, समय में जो घटना घटती है उसका हमारे ऊपर असर होता है। जिस दिन हम समय को समझ जाएंगे
कि ये हवा आई और चली गई, बात खत्म। अगर हम उस हवा में बह गए तो फिर हम दुखी होंगे। इसलिए संत कहते हैं, इस काल के प्यादे मत बनो, जो इस संसार में हो रहा है। जब से मुझे ज्ञान हुआ, आपको मैं बता देता हूँ, मैंने अखबार बंद कर दी, मैंने टीवी देखना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ क्या है, रोना चुटना कुछ भी नहीं है। उससे बेटर यह है कि आँख बंद करो, अपने अंदर जाओ, अंदर बड़ी बढ़िया फिल्म लगी हुई है। आ मेरे सतगुरु बैठे हैं, मेरे प्यारे बैठे हैं, वो वचन सुना रहे हैं, वो ज़्यादा आनंद देगा कि टीवी की फोटो आनंद देगी। क्या कहा मैंने, मेरी बात को पकड़ो रे, घट में है। गुरु नानक साहब जी डिक्लेयर कर गए, घट में है, सूजत नहीं। फिर कहते लानत ऐसी जिंद, नानक संसार को हुआ मोतिया बिंद। मोतिया बिंद जब हो जाता है ना चिट्टा मोतिया, तो चार 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 चांद नजर आते हैं, एक नहीं नजर आंदा। क्या कहा मैंने, संतों ने कोई कसर छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी हम ऐसे काल के मारे हुए हैं। हमने काल को अपना मालिक बना लिया और उसमें बह रहे हैं। सुबह कुछ है, दोपहर को कुछ है, रात को कुछ है, सपने में कुछ है, कोई हो रहा है और क्या है, ऐसे ज़िंदगी व्यतीत हो रही है। अरे थोड़ा टाइम अपने आप को भी देकर देखो, थोड़ा टाइम अपने आप को दिया करो सुबह शाम। और जब फ्री होते हो, काम से फ्री हो जाते हो, तो फिर और कोई बात ना किया करो। मैं कल बैठा था, आंख मेरी बंद थी, मेरी बहू ड्यूटी से आई, मुझे नहीं पता कब आई, कब स्कूटर खड़ा किया। शर्मा जी अपनी बात सुनाता हूँ, कब कब आई, कब स्कूटर खड़ा किया, और वो आते ही ना मेरे को ऐसे टच कर दिया, मेरे को ऐसे होता ही है ना बउआ, फिर डैडी पता नहीं की गल है, क्यों बैठे है। मैंने आँख खोली, मैं कहा पुत्र मैं बहुत दूर था, तूने मुझे क्यों हिलाया, तूने मुझे क्यों हिलाया। अकेला था ना, घर में कोई नहीं था, मैं तो 1980 में अपने पिताजी के पास बैठा था, मैं तो उनसे बात कर रहा था, तूने मुझे अच्छा, कहती मैं आगे को कभी नहीं डिस्टर्ब किया करूँगी, जब आँख बंद हो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। क्या कहा मैंने, क्योंकि ये आँख जो है ये बाहरमुखी आँख है, ये वो आँख नहीं है जो उसको देख सके, वो अंदर में तुम्हारे एक और आँख है। केवल वो आँख जब मिलेगी तो फिर तुम्हें अपने गुरु के साथ मुलाकात हो जाएगी। क्या कहा मैंने, मगर तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। 27-28 साल 30-30 साल हो गए नाम दान लिया हुआ, और वही बाबा जी मन नहीं लगता, तो तुसी नाम दान क्यों लिया, बाबे नू वापस मोड़े आओ और उन्होंने कहो कि जेडे पैसे असी दिते सानू दे दे वापस, सानू तेरी चीज़ पसंद नहीं आई। कोई चीज़ पसंद ना आई है तो चल जाते ना लाले को, ला फट लाला हर सी दिया, तेरी हर सी दिया, तेनों इन्ने पैसे दिते आ चीज़ अपनी वापस, मैंने पसंद नहीं आई, लाले को लेनी नहीं लाएगा वापस, तो कोर्ट बनी हुआ अदालत बनी हुआ, उत्थे जाओ इंटरेस्ट भी मिल जाऊगा, सब पैसे मिलेंगे वापस। क्या कहा शर्मा जी, मैंने हमने अपने आप को इतना नीचे मत रखो, तुम माल के कुल की अंश हो, तुम्हारे अंदर वो स्वयं अंश रूप में बैठा है, और वो उसका नाम है सुरत, उसका नाम मन नहीं है, उसका नाम शरीर नहीं है, उसका नाम आत्मा भी नहीं है। संतों ने कह दिया आत्मा भी अमर नहीं है, केवल सुरत अजर अमर और अविनाशी है। मगर वहां पहुंचोगे कब, तब जब अपना आपा सौंप दोगे सतगुरु के आगे, मन को बेचे सतगुरु पास,
जिस सेवक के कार्य रास्ता में ऐसा होगा। आगे बढ़ो। प्यारों के संग इज्जत होती, सतनाम कुल की थी गोती, गोत लजाया जाति गवाए, तो भी मन में लाज न आई। स्वामी जी महाराज ने एक बात बड़ी ऊंची कह दी है, हमारे समाज में गोत माने जाते, गोत मानते हैं ना, गोत्र जब शादी करते हैं तो गोत्र पूछते हैं क्या गोत्र है, मुझे नहीं पता, कुछ लोग नहीं भी मानते होंगे कि गोत्र क्या है, माँ का गोत्र क्या है, पिता का गोत्र क्या है, दादा का गोत्र क्या है, दादी का गोत्र। तो जो गोत्र लड़के वालों के गोत्र से ना मिले, कोई भी ना मिले, तो शादी की जाती थी, क्योंकि गोत्र जो है ये एक ब्लड का नमूना है, ब्लड है, वो एक ब्लड ऐसा है जो दादा से चला हुआ है, परदादा से चला हुआ है, वो आगे तक आता है, लड़की का भी और लड़के का भी। अगर लड़की और लड़के के गोत्र मिल जाएं, एक जैसे हो, तो बुजुर्ग शादी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि ये लड़की कभी ना कभी हमारे ही ब्लड से पैदा हुई है, हमारे ही गोत्र की ये लड़की है, हम इससे शादी नहीं करेंगे। मेरे साथ एक प्रोफेसर और प्रोफेसर वाले दोनों मियाँ बीबी मेरे हमीरपुर मेरे पास थे, तो एक दिन मेरे पास बैठ गए। कहते कमल जी हम बहुत दुखी हैं। मैं कह क्या गल हुई शर्मा जी? कहते उस वक्त हमने ख्याल ही नहीं किया मेरी वाइफ का गोत्र और मेरा गोत्र एक ही है, हमारे जो आगे बच्चे पैदा हुए हैं बहुत बहुत निकम्मे हैं, वो ठीक नहीं है, वो पढ़ने में उन्हें पढ़ रहे हैं, उनका दिल ही नहीं लगता, क्योंकि ब्लड एक ही हो गया ना। तो ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, साइंस है, कि एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि ऐ सुरत प्यारी, तेरा गोत्र तो सतनाम है, तू तो सतलोक के रहने वाली थी, तो मन में आकर अपना गोत्र ही भूल गई, अपना सतनाम ही भूल गई, अपना देश ही भूल गई, अपना वंश ही भूल गई, और मन के पीछे लगकर तेरी ऐ कुगति हुई है। पर ये दो ही लाइनें फिर दोबारा, गोत लगाया जाति गवाए, तो भी मन में लाज न आई। लाज ही नहीं आई, तूने अपने गोत्र को ही पेशावर छोड़ दिया कि तू ये दुनिया वाले गोत्र तेरा नहीं है, ये शरीर के लेवल के गोत्र मैं बताए हैं, मन के लेवल के गोत्र नीचे बताए हैं जिनके शादियां होती हैं, ये जो गोत्र है वो तुम्हारी सुरत का गोत्र है, वहां हम तभी जाएंगे जब हम उस वंश के गोत्र के साथ बात करेंगे। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो, पहली लाइन भी पढ़ो ना, गोत्र लगाया जाति गवाई, तो भी मन में लाज न आए। लाज करी तो मन के कुल की, सुध भूली सब अपने कुल की। आगे पढ़ो, कुल इसका है सबसे ऊंचा, संत बिना कोई जहां न पहुंचा। कहते वो तो ऊपर है, तेरा गोत्र तेरा लोग तो ऊपर है, वहां कौन पहुंचेगा? संत पहुंचेगा, संत बिना कोई और नहीं पहुंचा। आगे, सत पुरुष को लज्जा आई, संत अवतार धरा जगमाई। कहते हैं आगे, वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। जब तड़प होती है, जब तड़प होती किसी चीज की डिमांड होती है, तो मालिक उसको पूरा कर देता है। करके देखो, मैंने तो देख लिया। परमदयाल जी महाराज कितने साल रोते रहे, 24 घंटे लगातार रोए गुरु के लिए और बेहोश हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा कि ये पागल हो गया लड़का तुम्हारा। क्या कहा मैंने? सिर पर मक्खन रखे गए,
सिर पर मक्खन रखे गए। फिर बहुत देर के बाद होश आई तो फिर दाता दयाल जी महाराज के दर्शन हुए। भरत दयाल जी महाराज ने खुद कहा 24 घंटे रोने के बाद दाता दयाल जी प्रकट हुए अंदर, कहते मुझे ले गए, नहलाया, पहले नहला के फिर पता बताया कि मैं आया हूँ तेरे लिए, लाहौर आ जाना, मुझे पता दे दिया पूरा। और वहाँ फिर 10 महीने लगातार चिट्ठियाँ लिखी, हर महीने एक रजिस्ट्री, हर महीने एक रजिस्ट्री। 10 महीने के बाद दाता दयाल जी महाराज ने चिट्ठी का जवाब दिया। कितना सबर, इतना सबर कर सकते हो तुम लोग? इसलिए कहा धीरज धरो, करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। 10 महीने के बाद चिट्ठी आई, फकीर तेरे खत मिलते रहे, मैं तेरी भावना की कदर करता हूँ, अगर तुम्हें इतराज ना हो तो मुझे लाहौर आकर मिलना, मुझे सच्चाई हकीकत और असलियत हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज के चरणों से प्राप्त हुई है, वो मैं आपसे बता दूंगा। क्या कहा मैंने, कब होता है? वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। तो मैं भी तो 18 साल तड़पता रहा, 18 साल तड़पा गुरु की खोज में कि मुझे गुरु मिल जाए, क्योंकि माँ ने 6 साल की उम्र में कह दिया था, बच्चा गुरु के बगैर गत नहीं, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं। बस वो ख्याल मेरे अंदर उतर गया कि मैनू नहीं पता भगवान क्या है, क्या मेरे लिए गुरु सब कुछ हो गया, और जब गुरु मिला तो सब कुछ मिला। क्या कहा मैंने, इसलिए कहते फिर सतपुरुष की दया हो जाती है, जब सुरत तड़पती है अंदर फिर गुरु आता है। कैसे, आगे चलो। संत रूप धर जूप देसे, बानी नाव बना जूखे वे। क्या कहते हैं, वो नाम की खे, नाम का जहाज बना देते हैं। तो असि छोटे छोटे होंगे सी ना, छोटे छोटे होंगे सी पिंडा च गुरपुरब होंगे सी, गुरा शब्द जहाज बनाया आओ सिंगो पार मंगिए, ये गाया करते असी गाया करते गुरु शब्द जा। हूँ उस वेल पता नहीं सी शब्द जहाज की है, हूँ पता लगा कि असल में शब्द जहाज ही शब्द है जो हमें पार कर सकता है और कोई चीज़ पार नहीं कर सकती। फिर पढ़ो आगे। सुरत अजान न बूझे पानी, फिर फिर डूबे कहते, सुरत को पहले धीरे धीरे समझ नहीं आती कि मुझे क्या समझना चाहिए, क्या मेरे मतलब की बात है या नहीं। दाता स्वामी जी ऐसा लिख रहे हैं, आगे चलो। भव सागर में गोते खावे, मन मत ठान 84 धावे। और मन में ही है अभी, वो जाती है गुरु के पास जाती है, लेकिन मन की डिमांड लेकर जाती है, मुझे ये मिल जाए। वो क्या, वो 84 है और क्या है, जब तब तक मांग है 84 है, आना पड़ेगा मांग की पूर्ति करने के लिए, आना पड़ेगा। जब तक ये प्लेट साफ नहीं हो जाएगी, ये साफ नहीं हो जाती, कोई ख्याल नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ना गुरु के धाम से, ना गुरु के रूप से, ना दुनिया से, ना दीन से, केवल एक कशिश है अंदर, शब्द की कशिश है बस, कुछ भी नहीं है बाकी। जब वो चीज़ बनेगी तब जाकर कल्याण होगा, ऐ इंसान तेरा उससे पहले कल्याण मुश्किल है। क्या कहा मैंने, आगे चलो। संत बतावे सत जीते, यह नहीं माने कुल पर कीते। क्या कहते हैं, रीत बताते हैं, विश्वास बताते हैं, ऐ इंसान तू धैर्य रख, विश्वास रख, और जो संत कहता है उस पर चलने की कोशिश कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। आगे। बिन परती तरीत नहीं पावे, जन्म जमन चौरासी जावे। जब तक विश्वास, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, इश्क पैदा नहीं होता उस चीज को प्राप्त करने के लिए, तब तक तुम नीचे मन में खेलते रहोगे। आगे। चौरासी से संत बचावे,
उनका वचन न मन ठहरावे। कौन बचा सकता है चौरासी? संत बचा सकता है, क्योंकि वो खुद चौरासी से परे है, वो खुद उससे परे है। वो परे होगा वही खींचेगा ना, जो भाव सागर से आप ही खुद वेतन बैठा है वो तुम्हें पार कैसे करेगा? पार तो वही करेगा जो दूसरे किनारे पर बैठा है। आ जा बेटा, तुम्हें को मैं ले चलता हूँ, इधर वाला नहीं ले जा सकता। वो इधर वाला जो संत है वो शब्द की शब्द के जहाज में बैठा कर तुम्हें आगे ले जाएगा, क्योंकि गुरु कौन है? गुरु शब्द है। इसलिए कबीर साहब ने कहे, शब्द गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लवार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बटमार, मन दे जितने ख्याल उन्होंने ठोर मार, छड़ दे छड़ दे छड़ दे, सिर्फ शब्द को पकड़ ले। एक शब्द वो जो मुंह से कहा जाता है, एक शब्द यहाँ तुम्हारे अंदर पांच छह शब्द बनते, वो भी नहीं, क्योंकि वो मन के शब्द हैं। एक शब्द वो है जो खुद ऊपर से आता है, वहाँ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हरदम घट में होता है धुन, यहाँ हर वक्त धन घट में होता है, अपने आप एक धुन शब्द की हो रही है, वो अपने आप होती है, वो गुरु की कृपा से होती है। ये भी मैं कहूँगा, तुम्हारे करने से नहीं होगी। तुम्हारा तो सिर्फ इश्क चाहिए, तुम्हारे अंदर तो वो लगन चाहिए कि मैं ए मालिक वो वहाँ ले चल, मुझे वहाँ ले चल, मुझे वहाँ ले चल जहाँ तू है, और वो शब्द है। क्या कहा मैंने? इसलिए गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लुबार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर वर्तमान। ये अंत मुझे परमदयाल जी महाराज ने 1971 में लिखा था, जब मैं रामपुर विशाल में था, तब मुझे फिर थोड़ा और उठाया उन्होंने, और उठाया। क्या कहा मैंने? फिर वो गुरु सहारा दे देता है ना, लिख कर सहारा देता है, फिर आओगे तो तुम्हें उठा देता है। चलो आगे। मन के रंग भी बहुरंगी, ढंग ना सीखे बड़ी कुरंगी। हाँ, कोई ढंग नहीं, मन नहीं मानता, मन नहीं मानता, मन नहीं इसको पकड़ता। आगे। साध संत का ढंग नहीं सीखे, भोगे दुख रस चाखे पीके। फीके फीके दुनिया के सारे भोग रस सब फीके हैं। आगे। रस पीके संसार के सभी, अंतर का रस यदम नले। आगे। स्वाति चदरिया स्वाति बदरिया, अंतर बरसे सूरत लगा है तो मन सरसे। कहते हैं वो स्वाति, स्वाति ना एक बारिश में एक कोई ड्रॉप पानी का गिरता है, उसको स्वाति कहते हैं। वो कहते हैं कि उसको पपीहा सिर्फ पीता है, और दूसरा वो मोती उसमें आके गिरता है सीप में, तो वो मोती बन जाता है, ऐसा कहते हैं। तो दाता स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि वो स्वाति बदरिया तुम्हारे अपने अंदर गिर रही है, अंदर तुम्हारे बादल गरज रहा है, तो वहाँ वर्षा हो रही है, उसमें एक स्वाति बूंद भी गिर रही है, और वो बूंद आपके जीवन को बदल देगी। वो अंदर है, अंदर ही बादल है, अंदर ही गरजता है, अंदर ही वर्षा हो रही। किस बात की वर्षा? कौन सी वर्षा? अब सवाल पैदा होगा। मैं ये समझता हूँ कि वह गुरु की वाणी की वर्षा अंदर हो रही है। तब तुम गुरु को याद करते हो तो उनके विचार, उनके शब्द, उनकी आदेश, उनका प्यार, उनकी श्रद्धा, आपके प्रति जो उनका लगाव है, ये कि ये बेटा ऊपर उठे, ये बेटा ऊपर उठे, और तो वो तुम्हारे को ऊपर खींच लेता है। क्या कहा मैंने? तब जब तुम्हारी कशिश उधर होगी, वैसे नहीं। जैसे ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, अगर बल्ब ही फ्यूज है तो जितना मर्जी करंट दे दो ये चलेगा। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। तुहाडा बल्ब ही बुझे यार, तो उत्थे करंट कितों आऊगा? अपने अंतकरण के बल्ब को तैयार करो, करंट आ रहा है, रोशन कर दोगा आपको,
जब तुम अपने आप में जागृत नहीं होते तो वो कैसे तुम्हें जगा देगा। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। शरद चंद्रमा कहते चांद चांद की चांदनी जैसी अंदर बड़ी शांति है, कहते ना वो ठंडक होती चांद की चांदनी में ना, ठंडक होती है तो वो ठंडक आपको अंदर में मिलेगी। आगे चलो। माँ मोती चुने मान सरवर के, भोगे भोगे मराल मगर के। अगर आप वहाँ चले जाओगे तो वो कहते हैं तुम हंसों के देश में पहुँच जाओगे। हंसों का देश क्या है? प्रकाश का देश। वो प्रकाश ही प्रकाश है वहाँ, वो मराल देश है, वहाँ हंस हैं, तरह तरह के हंस हैं उस प्रकाश में। वो कौन सी सुरते हैं? जो शरीर मन और आत्मा से ऊपर चली गई है वो देश है, उसको उसको मानसरोवर भी कहते हैं। यहाँ तो स्वामी जी ने और शब्दों में कहा। आगे चलो। जो संतन के वचन समाले जाए त्रिवेणी होए निहारे। जो संत के वचन को पकड़ लेता है वो ही वहाँ पहुँच सकता है, यही कहा ना। जो संत के वचन पर चलता है, उसको अपना लेता है, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, उसको अपनी रहनी में ले लेता है, वो वहाँ पहुँच जाता है। दूसरा नहीं, जो इधर से डाला इधर से निकाल दिया, बस वो यही का यही रह जाता है। ये मनन की बात है, चिंतन की बात है, मनन करना, चिंतन करना, निध्यासन करना, फिर अपने अंदर जाना, फिर उसके ऊपर विचार करना कि सुरत क्या है, मैं सुरत हूँ तो क्या हूँ। जब सुरत की खोज करोगे तो मन शरीर आत्मा को भूल जाओगे, तुम ऊपर चले जाओगे। खोज तो तुम्हारी है बता दिया मैंने तुम्हें कि तुम शरीर, मैंने अपने आप को मैं चाह, मैं शरीर नहीं हूँ क्योंकि मैंने शरीर नहीं बनाया, उसने बनाया, तो मैं कैसे कहूँ कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। अरे ये तो उसका खिलौना है। मन को मैं समझ गया कि मन क्या है, कुछ भी नहीं। अखा बंद कीतियाँ दुनिया है नहीं, अखा बंद कीतियाँ दुनिया है नहीं। क्या कहा मैंने? अखा खुल गया दुनिया नजर आती है, और अंदर चले गए तो थोड़ी अपनी दुनिया, उस तुम देखो तू कौन है भाई। फिर उससे आगे चलोगे, उससे आगे चलोगे, मन एक जगह जाकर हार जाता है। ये हार जाता है गुरु की दया से, ये हार जाता है। कबीर ने कहा मन तू थकत थकत थक जा, ये थक जाएगा किससे? नाम के सुमरन से थकेगा। यहाँ जब सुमरन करोगे, हर रोज़ करोगे, हर रोज़ करोगे, हर रोज़ करोगे, मन यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये शरीर से ऊपर आ जाएगा, यहाँ सुरत भी जहाँ पहुँच जाएगी, फिर ऊपर का दर्जा शुरू होगा, फिर ऊपर का चलान शुरू होगा। आप तो कभी ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं करते, करके तो देखो अंदर का सफ़र बड़ा ही प्यारा है, बाहर का सफ़र नहीं प्यारा है, अंदर का सफ़र बहुत प्यारा है। अमरीक सिंह जी, अंदर का सफ़र बहुत प्यारा है जो गुरु से मिला देता है। आगे चलो। होए निहाल सुंदर लखन सुन तिमरी नाद, नाद सुरत होवत मगन फिर खोजत पद याद। आगे पढ़ दो सारा। संत दया सत गुरु मरा पाया याद अनाद, गति मति कहते न बने सुरत भई बिस्माद। यहाँ बड़ी इम्पोर्टेंट कह दी है, संत मिला सतगुरु मिला, ये पढ़ो। संत दया सतगुरु भया, संत की दया से सतगुरु मिलता है, और वो सतगुरु कहाँ है? वो तुम्हारे अंदर है, और उसके मिलने से जो सुरत है विस्माद हो जाती है। विस्माद वो आनंद, वो शांति जिसका दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। तो आज तो मैंने बहुत कुछ कह दिया, आप लोग सुखी रहो,
हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं दावा नहीं करता, क्योंकि मैंने दाता के वचनों पर चलकर परमदयाल जी महाराज की शिक्षा को अपनाकर ये देख लिया कि ये ठीक है, इसलिए मैं ठीक की बात करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सच बोलता हूँ, लेकिन मेरा आत्मा मन गया कि मैं ठीक हूँ। आप सब सुखी रहो, सबको बहुत बहुत प्रेम भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। लंगर तैयार है, लंगर सबके लिए तैयार है, आप लोगों ने भोजन करना है प्रेम से, हमारे सेवादार बना रहे हैं। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, अलग अलग नामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, परम संत का रूप धरा, जीवों पर उपकार किया, सीधा सच्चा मार्ग दिया, आए धुर पद धाम।